जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्ते दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम जब बात करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, ये सब जैसे आजकल एक जिंदगी का हिस्सा सा बनता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन नहीं सकता है। हमारी ज़िंदगी तो खुशी से, आनंद से भरपूर होनी चाहिए। अगर ये बात हम ठान लेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, वहीं से शुरुआत होती है एक बेहतर भविष्य की। इस बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम असन जी। ओम शांति। नमस्ते भाई जी। हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम्स में लाइफस्टाइल की, हेल्थ की और फूड की, और साथ में एक्सरसाइज की भी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं फूड की, ये बहुत ही ब्रॉड परस्पेक्टिव है। आज डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों की अपने अपने कुजीन होते हैं, उनका अपना अपना एक तरीका होता है खाने को लेकर के। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो उसमें फूड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? जैसे मैंने बताया, मैं कहूँगा एक मेजर पार्ट है, क्योंकि एब्डोमन, इंटेस्टाइन, स्टमक, ओरल कैविटी परमात्मा ने बनाई है, ये हमारा ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए आयुर्वेदा का मैंने बताया था कि पेट नरम, अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उनके अनुसार। अब मेन इसमें ये है, जैसे मैं बता रहा था, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड करेक्ट करना है कि किस समय कौन सा फूड खाना है। हर एक का डाइजेशन अलग अलग समय पर होता है जी। तो बहुत ज़्यादा खाने को मिक्सिंग नहीं करें। जैसे अगर आप मिल्क ले रहे हैं और मिल्क खाने के एक साथ लिया, एकदम लिया, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। और वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। आयुर्वेदा के अनुसार वात, पित्त, कफ, ये तीन प्रकृति है, तो इन प्रकृति के अनुसार उसका खाना डाइजेस्ट होता है। कोई लोगों में गैस बहुत जल्दी बनती है, कोई में कम होती है, कोई वेट पुट ऑन बहुत जल्दी करते, कोई नहीं करते हैं, या अपना अपना उनका एक प्रकृति रहती है, जेनेटिक वो रहता है, सिस्टम रहता है। अब हमें ये समझना पड़ता है कि मेरे को कौन सा खाना अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, और वो डाइजेस्ट होता है, और कौन सा खाना मेरे को तकलीफ देता है जब मैं खा लेता हूँ। अब छोले भटूरे खा लिए, ज़्यादा खा लिए, एक खाया तो ठीक है, पर मैंने काफ़ी खा लिया, 5-6 खा लिए, और वो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि मेरे को क्वांटिटी कम करके खानी थी। तो ये हमें देखना पड़ता है कौन सा फूड हेवी है डाइजेशन के लिए, कौन सा लाइट है। जैसे अगर हम फ्रूट खाते हैं, सलाद है, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फैट कवरिंग नहीं है। जिस चीज़ पर फैट और शुगर का कवरिंग हो जाता है, वो डाइजेशन में टाइम लेता है जी। तो वो हमें अब ध्यान रखना पड़ता है कि कितना खाऊं। कहीं भी जाऊं, मैं किसी भी फूड के अगेंस्ट में नहीं हूं, चाहे आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पर उसको देखें कि कितना मुझे खाना है जी। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, ज्यादा खा लिया। जैसे मैंने छोले भटूरे का एक एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने एक जगह देखा, एक व्यक्ति का ऑलमोस्ट 6-7 खा गया था, 2 घंटे बाद मैं भी वहीं था, वो भी वहीं था, उसको गैस प्रॉब्लम हो गया, एंजाइना हुआ, तो मैंने कहा आपकी मिस्टेक वहां थी। तो कॉम्बिनेशन को ठीक करें कि कौन सा खाना कैसे खाना है, और अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं,
इंडियन सिस्टम में बहुत अच्छे सिस्टम पहले से ही बने हुए थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को हमें करेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि किस समय कौन सा खाना ठीक है और कितना मुझे खाना है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है, तो उसके अनुसार हम उसको करेक्ट करें कि प्रकृति के अनुसार देखकर जो मुझे डाइजेस्ट होता है, गैस प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, एसिडिटी नहीं कर रहा है, वो खाऊं। सलाद जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, कुक्ड फूड ज़्यादा टाइम लेगा जी। तो बेटर है थोड़ा सलाद खाएं पहले, खाने के पहले थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत खाना है, जो अच्छा लगे वो वाला सलाद थोड़ा खा लें और फिर उसके बाद खाना खाएं। तो आपको दोनों मिल जाएगा, फाइबर भी मिलेगा, रेशा भी मिलेगा, और ये जो सलाद खाया है वो खाने में हेल्प करेगा हमारे डाइजेशन में। तो एक वो ध्यान रखें। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, जैसे बात कर रहे हैं हम बचपन की, बचपन में जैसे हम मम्मी डैडी बोलते थे अरे धीरे खाओ धीरे खाओ, टीवी मत चालू रखो, खाने के साथ पानी मत मिक्स करो, ये इतनी सारी मान्यताएं जो हमें दी जा रही थी, क्या वो सही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है? एक तो मान्यता ठीक है कि खाना धीरे धीरे खाना एक हमारा मेजर पार्ट है लाइफ का, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा खाना खाएं, तो उस समय धीरे धीरे खाएं, और वो करेक्ट है, मैं एग्री हूँ। मोबाइल रखें, टीवी ना देखें, और जहाँ तक है पूरा परिवार मिलकर खाएं एक खाना, और खाते धीरे धीरे खाएं। जो पहले आपने बताया कि कहा जाता था इतना चबाओ कि वो पानी हो जाए, लिक्विड भी धीरे धीरे पियो, तो खाने को जितना हम च्यू करते हैं उतना वो लिक्विड बनता है, रस बनता है, क्योंकि खाने का डाइजेशन ओरल कैविटी से शुरू होता है और धीरे धीरे ये हमारे स्टमक में जाता है। तो जितना यहाँ च्यू होगा, लिक्विड बनेगा, वो वहाँ जाएगा। अगर मैंने जल्दी जल्दी खाया तो क्या होगा, वो सीधा स्टमक में जाएगा और स्टमक को फिर ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा उसको लिक्विड बनाने में, फिर वहाँ भी एंजाइम्स आकर मिलते हैं। तो खाते समय मेरा तो ये सोच है कि मोबाइल, टीवी, और बात भी करना है, धीरे धीरे आराम से खाएं, एकदम ये वाली स्टाइल नहीं खाएं जो आजकल कई लोग कहते हैं सर क्या किया, खाना निपटा दिया। खाना निपटा दिया यानी खाना काम नहीं है, निपटाना नहीं है उसको, बल्कि धीरे धीरे खाना है, क्योंकि वही खाना अगर धीरे धीरे चबाएंगे तो प्रोसेस पूरा ठीक होगा जी। फास्ट खा लिया फिर ऊपर से खट से पानी पी लिया, दो ग्लास पी लिए, तो उसका जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाता है, तो गैस बनाएगा। तो जहाँ तक हो सके एक घंटा डेढ़ घंटा, मिनिमम डेढ़ घंटा पानी एकदम न पिए। इसका क्या कनेक्शन है, ऐसा क्यों होता है कि हमें कहा जाता है कि खाने के साथ पानी ना पिए? क्योंकि खाना जो जा रहा है स्टमक में वो डेढ़ से दो घंटे रुकता है, वहाँ एसिड आकर मिलता है, एंजाइम्स आकर मिलते हैं और एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करते हैं। अब वो पीएच एसिडिक और अल्कलाइन के बीच का रहता है, अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो गया, आपने पानी पी लिया, तो वो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा। और वो गैस प्रॉब्लम देगा, हिचकी देगा, तो इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ता। पीना है आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले पी लो और सिप मार सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा दो ग्लास पीना। और मेन फंडा ये है धीरे धीरे खाओ, शांति से खुशी से खाओ, जो आप बात कर रहे थे कि वाइब्रेशन होते हैं, जितना हम धीरे धीरे खाते हैं उसमें वाइब्रेशन ऐड होता है और वो खाने का जो रस आ रहा है वो हमारे मूड को भी ठीक करता है। इसीलिए आजकल कई तरह की वो आ रही हैं, ये खाओगे तो आपका खुशी वाला हार्मोन बढ़ेगा, ये खाओगे तो, ऐसी भी अब प्रोडक्ट आने लग गए हैं। तो वो अब प्रोडक्ट में हम ना जाकर अपने नेचुरल सिस्टम को एक्टिवेट करें,
जितना खुशी से खाएंगे तो खाना पचेगा, कहते हैं ना खाना खाने के बाद अच्छा खाना खाया तो क्या कहते हैं मजा आ गया। मजा क्यों आया? क्योंकि उसने एक अंदर के लेवल को, ब्रेन के सेंटर को एक्टिवेट किया और उससे अपने को लगा बहुत अच्छा लगा, जैसे चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाई, तो वो क्या करती है पर्टिकुलर सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो वो हमें लगता बहुत अच्छा लगा, अति इंद्रिय सुख आ गया। तो खाना भी सुख देता है पर वो सुख नहीं देगा अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाएं, और वो वजन बढ़ाएगा, वेट को बढ़ाएगा। भाई जी, क्वांटिटी और क्वालिटी जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि भाई क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज क्वालिटी फूड, क्वालिटी फूड किसे कहा जाएगा? क्वालिटी उसको कहा जाएगा जो नेचुरल है और उसको ज्यादा कुक नहीं किया गया है। जैसे खाना जो भी है, दाल रोटी सब्जी जो भी हम अनाज खा रहे हैं उसको प्रॉपर कुक करें, बहुत ड्रेन आउट नहीं करें। जैसे चावल का अगर किया, राइस का किया, तो उसके विटामिंस ख़त्म हो जाएंगे, तो एक तो वो खाना हो गया। दूसरा जो ओवर कुक्ड खाना है, तेल जिसमें ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो वो खाना क्वालिटी वाला नहीं होगा, केवल कैलोरी देगा आपको। जैसे अब मैंने कोई स्वीट खाया, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, तो वो मुझे कैलोरी केवल दे रहा है पर वो विटामिंस नहीं दे रहा है, तो वो ब्लैंक कैलोरी हो गई, पर टेस्ट तो दे रहा है। हाँ, टेस्ट क्योंकि टेस्ट का ही तो सारा खेल है ना। तो टेस्ट हम उन खाने में भी बना सकते हैं ना, वही खाना अगर ठीक से बनाए, अच्छी तरह बनाए, तो वो खाना भी वही टेस्ट देगा जो वो दे रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया है, हम खाने पर, कुकिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो वो खाना हमें वो रस नहीं दे रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो मैं कंपनसेट कर रहा हूँ इन चीजों से। एग्जैक्टली, क्योंकि आज ये प्रोसेस्ड मेड फूड, ऑलरेडी रेडी टू मेक फूड का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड निकला है, जो मार्केट में हमें मिलता है कि रेडी टू मेक लेकर के सिर्फ उसमें थोड़ा सा तड़का दिया, इट्स रेडी, तो वो कितने टाइम पहले से प्रोसेस्ड होता है, तो उसका भी हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना वो टाइम हो गया उसका, उसके अंदर जो डिजेनरेशन है, उसका फर्मेंटेशन है, ज़्यादा होता जाएगा और वो केमिकल टॉक्सिन्स बनकर शरीर को नुकसान करेगा। इस आप देखते हैं, जब हम पेड़ से अमरूद को लिया और उसी समय खाया, और वही अमरूद जो 3 दिन बाद वाला खाया तो फर्क आएगा, उसका जो स्वीटनेस है नेचुरल लगेगा और वो दूसरे अमरूद का नहीं आएगा। अंगूर उसी फ्रेश को खाया तो अंदर अच्छा लगता है, और वही अंगूर काफ़ी दिन हो गए तो वो शरीर को एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि हर विटामिन का अपना लेवल है, वो ख़त्म होता जाता, विटामिन सी बहुत जल्दी ख़त्म होता है, तो इसीलिए हमें फ्रेश, जहाँ तक हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स लाएं, खाएं, पकाएं और उसका टेस्ट करें। अब वो प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट आता है कि वर्किंग पीपल हैं, 7 दिन का खाना लाकर फ्रिजर में रखते हैं, अब वो प्रॉब्लम भी है। Exactly. तो उसको थोड़ा कम करें। पर भाई जी, जैसे बात कर रहे हैं आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, पर आज अगर आप देखेंगे सिटीज में, अगर हम प्रॉपरली बात करें, तो आज सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही होता है, तो ऐसे में हम किस चीज को ट्रस्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको फ्रेश कहा जा रहा है वो एग्जैक्टली फ्रेश तो है ही नहीं। करेक्ट, तो उसका तरीका ये, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक खेती तो कर नहीं सकता कि खुद की खेती हो, नो फर्टिलाइजर, वो बहुत कम है, बढ़ता जा रहा है, कल्चर आ रहा है कि हर किचन में एक किचन गार्डन भी होना चाहिए, खुद की वेजिटेबल्स को हम ग्रो करें, वो अभी बात की बात है, मैं भी अनदर 10 ईयर्स, पर जब तक हम हैं तो जो खाना लाएं, फ्रूट लाएं, उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसको थोड़े से नमक डालकर, जैसे अंगूर हैं केमिकल बहुत रहता है कई जगह और कई जगह कम रहता है, तो ग्रेप्स को लाकर रख दिया पानी में 8 घंटे 10 घंटे हल्का सा नमक डालकर, तो वो केमिकल को फिर वॉश आउट कर दें। तो सब्जियों को भी और फलों को भी
जो फल हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं तो उनको वॉश करकर टाइम देकर खाएं, जल्दीबाजी नहीं करें. वो तभी फर्टिलाइजर जाएगा, क्योंकि नहीं तो वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा. मैंने कहा था टॉक्सिन्स बनते हैं खाने से, इन्वायरमेंट से, इमोशन से. ये तीन एरिया हैं जहाँ से टॉक्सिन्स बनते हैं. तो उसमें खाने का तो यही है कि हमारे पास चॉइस क्या है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, चॉइस है, तो ऑर्गेनिक आप उस खेत से ला रहे हैं, डायरेक्ट ला रहे हैं, वो जो पॉसिबल हर एक के लिए नहीं है. बिल्कुल. तो वेजिटेबल्स को लाकर थोड़े गर्म पानी में भी धोकर अच्छी तरह रख कर फिर खाएं. ठीक. क्लीनिंग जरूर करें. जी भाई जी. सलाद भी, क्योंकि आजकल पहले हम लोग कहते थे सलाद, हाँ सलाद खाना बहुत जरूरी है, पर आजकल हम लोग कह रहे हैं सलाद को भी अच्छी तरह धोकर टाइम देकर फिर खाएं, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम देगा. इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि कुक्ड खाना, थोड़ा सा हल्का कुक कर लो तो वो बेटर है, बजाय कच्चा. कईयों को प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा टाइम दें, क्लीनिंग करें, और जो लग रहा है कच्चा मेरे को तकलीफ देता तो हल्का सा उसको एक सीटी में कुक करके खाएं, स्प्राउटेड का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है. जी भाई जी. भाई जी, जैसे बीमारी की बात करें अगर हम, तो एक विटामिन डी, वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वी गो थ्रू अ जॉइंट पेन, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है कई बार. तो छोटी सी चीज बहुत बड़ा रूप ले लेती है. तो ऐसे में आपकी क्या राय है विटामिन डी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, आपकी क्या राय है? विटामिन डी ऐसा अभी WHO का आया है, वर्ल्ड में ओवरऑल उसका डिफिशियंसी मान रहे हैं, और उसके कारण डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. पर्टिकुलरली ये दो विटामिन जो मैं कहूँगा, विटामिन डी और B12, ये आजकल डिफिशिएंट हो रहे हैं जी. क्योंकि B12 भी केवल नॉन वेज में रहता है, वेजिटेरियंस में कम रहता. Exactly. वेजिटेरियंस और डेफिशिएंसी फिर उससे ज्यादा हो रही है, और लोग वेजिटेरियन ज्यादा बनते जा रहे हैं अब लोग, कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण, वेगन डाइट. तो इसी के कारण ओवरऑल डिफिशिएंसी बढ़ गई है इन दो के कारण. और विटामिन डी तब एक्टिवेट होता है जब सन, जब सूरज सुबह उगता है और थोड़ी सनलाइट हमारे ऊपर आए. 15 मिनट वॉक जरूरी है सनलाइट का, पर क्योंकि लोग अब घरों में अंदर रह रहे हैं, ACs हैं, कपड़े अगर हमने पूरे पहन रखे हैं तो विटामिन डी इतना अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि सनलाइट भी, सब लोग बच रहे हैं, कपड़े से ढक रहे हैं, तो शेड लगा रहे हैं, तो उसके कारण विटामिन डी कम हो गया है. तो इसीलिए जरूरी है मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा तो जरूर लें, जो कि विटामिन डी का मेन सोर्स है. हमें कम से कम 400 units विटामिन डी की डेली चाहिए, जो कि हमारे को घी, बटर और मिल्क से मिलता है. तो वो ले, पर सन बाथ जरूर करें, यानी सन बाथ यानी 15 मिनट धूप में जरूर बैठें. पहले का अगर आपको मालूम होगा, लेडीज घर में ही रहती थी, घर पर जब सब लोग चले जाते थे, बाहर आकर सब्जी काटती हैं, स्वेटर बुनती थी, तो वो सन बाथ उनको मिल जाता था. पर अब ट्रेंड चेंज हो गया, बाहर कोई नहीं बैठता, अंदर बैठते हैं, वर्किंग लेडी है, तो विटामिन डी की लेवल इसलिए कम हो रही है. तो कम से कम वॉक 15 मिनट का सन का भी जरूर करें. अर्ली मॉर्निंग तो कर रहे हैं लोग, 6 बजे 6:30 करते हैं, पर 15 मिनट का सन बात या सन में थोड़ा घूमें, जहाँ मौका मिले थोड़ा लें. भाई जी, मॉर्निंग और आफ्टरनून, वैसे तो धूप शुरू हो जाती है 9:30 से, मतलब 2-3-4 बजे तक चलती है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मॉर्निंग का जो वॉक है वो बेटर है दोपहर वाले वॉक से. तो ऐसा भी होता है कि जो धूप है उसमें भी डिफरेंस पड़ जाता है? थोड़ा तो डेफिनेटली फर्क है. मॉर्निंग में सूरज उग रहा है और जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज है वो कम है उस समय, बाद में बढ़ती जाती है. तो उस समय जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स का, वो स्टार्ट होता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है. तो वो वॉक एक बेटर माना गया है, पर
अल्टरनेटिव भी क्योंकि करना है, लोग किसी को सुबह ही भागना है काम पर, तो कम से कम वो इवनिंग में जब सन ढल रहा है, सनसेट हो रहा है, उसके समय 15-20 मिनट आधा घंटा करता है तो वो भी इफेक्टिव हो जाता है थोड़ा। पर डेफिनेटली मॉर्निंग वॉक इज बेटर। हम हमेशा यही कहते हैं मॉर्निंग वॉक, और इवनिंग को कहते हैं टहलना, टहलते हैं। तो वो टहलना हो गया, वो वॉक हो गया जी, वो डेफिनेटली फर्क तो आएगा। बिल्कुल भाई जी, जैसे अगर हम जिमिंग की बात करें, एक जो एक सबसे ज़्यादा मेजर उसमें ट्रेंड निकला है प्रोटीन्स का और एडेड सप्लीमेंट्स का, तो वो किस हद तक हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है? क्योंकि हम वो तो हम बेटर बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए हम उसको यूज़ करें, पर इज़ इट हार्मफुल और इज़ इट नहीं? अगर एक्सेस होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन बहुत है, हर एक को सब कुछ मालूम है, अब उसके कारण ओवर कॉशियस भी लोग हो गए हैं। करेक्ट, हर मदर सोचती है मेरे बच्चे को ये देना चाहिए देना चाहिए, क्योंकि टीवी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ये लोगे तो ये हार्मोन काम करेगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, वो ठीक है, पर अगर आप उसको नेचुरल दे रहे हैं खाने में, तो वो सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है। सप्लीमेंट तब रोल होता है जब वो व्यक्ति बीमार है, ले नहीं पा रहा है, डाइजेशन नहीं है, तो तब देना पड़ता है। अगर उसकी लेवल ठीक है तो एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं है। अब एक्स्ट्रा तब दिया जाता है जब बच्चा ग्रो कर रहा है, एक पर्टिकुलर एज के बाद फिर एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता, वो बॉडी से बाहर आएगा या प्रॉब्लम देगा, तो वो हमें देखना पड़ता है किस एज का है, क्या काम कर रहे हैं, वर्किंग कैपेसिटी क्या है, उसके अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सप्लीमेंट ठीक है, पर एक्सेस में वो भी नुकसान करेगा। ओवर कॉशियस नहीं होना है, कॉशियस होना है, सिंसियर होना है। एक्सेस में कर गए तो वो भी नुकसान लेता है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, थोड़ा सा गला खराब हुआ एंटीबायोटिक ली, फिर कुछ हुआ एंटीबायोटिक ली, तो अगर आप फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो भी हमारे बैक्टीरिया फ्लोरा को डिस्टर्ब करेगा, और वो डिस्टर्ब होगा तो बॉडी में बीमारियां आएगी, और वो बैक्टीरिया आ जाएंगे जो नहीं आते। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि एटिपिकल बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, और जिनका बहुत रेयर रहता है, अब वो आ गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आजकल वो निकला है, आप देखते हैं प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आजकल काफ़ी दिया जा रहा है, एंटॉक्साइड्स प्रीबायोटिक। अब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या, वही हैं जो दही के दही खाने से हमें मिलते हैं। अब वो दही अगर आप ठीक ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, तो लस्सी ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर आएंगे। तो एंटीबायोटिक का भी यूज़ तब करें जब तक डॉक्टर सलाह नहीं दें। अपने आप जाकर फार्मेसी से एंटीबायोटिक लोग खरीद लेते हैं, और हमारे रूल इतने टाइट नहीं है कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फिर नुकसान करते हैं, और वही बीमारियों की एक मेजर प्रॉब्लम बनते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कैंसर्स भी हो, अगर अनवांटेड आप बिना कारण से एक्सरे करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं। अब कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरा सीटी स्कैन कराना है। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे को एक छोटा सा यहाँ बॉइल है। तो एक ने कहा सीटी स्कैन करा लो। अब मैंने देखा छोटा सा बॉयल है, स्किन पर ही है, स्काल्प पर ही है, कोई ज़रूरत है ही नहीं, उसके सब फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं। अब वो अनवांटेड जाएगा तो रेडिएशन मिलेगा। तो हम अनवांटेड एक्सपेरिमेंट खुद पर ना करें, हर कोई परफेक्ट, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा जी। तो उसके अनुसार डॉक्टर की सलाह के अनुसार। हाँ, आज हम सभी को डॉक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं तो उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। हर कोई सोचता है मेरा पूरा चेकअप ब्रेन से लेके नीचे तक का कर दो, तो वो कई जगह ठीक है, कई जगह नहीं है। जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, कैंसर के हैं, तो ठीक है, मैमोग्राफी कराना है और अल्ट्रासाउंड कराना है ब्रेस्ट का, वो ठीक है, वो तो डॉक्टर सलाह देगा, पर ओवर कॉशियस भी हम ना हो जाए।
भाजी, हेरिडिटरी डिजीज़ जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का मतलब अपने जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है कई बार, तो वो चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग सी होती जा रही है, क्योंकि वो उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, उन्होंने तो कोई बैड हैबिट्स को अपनाया नहीं है, तो उनको ये बीमारी का शिकार वो हो जाते हैं. तो ऐसे में उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई करके और फिर उससे क्योर कैसे किया जाए? इसमें दो फैक्टर हैं. हेरिडिटरी से जो जेनेटिक आया है, ट्रांसफ़र हुआ है, वो है. पर इसके पीछे थ्योरी ये है, जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर. जीन्स तो आ गए मेरे में, अगर जैसे डायबिटीज़ के आए फोर फादर से. अब अगर मैं बचपन से ध्यान करूँगा कि मेरे को शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, वॉक करना है और अपनी थिंकिंग को ठीक रखना है, तो डायबिटीज नहीं होगी. जीन्स हैं, पर ट्रिगर कौन कर रहा है? लाइफस्टाइल. अब मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को और जल्दी आएगी. तो जीन्स तो मुझे बल्कि पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि तुझे ठीक रहना है, क्योंकि तेरे को फोर फादर को हुआ था, तुझे अपने को ठीक रखना है. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरे को पहले से ही पता लग गया मेरे मार्कर क्या है जी. और अपना कभी ये नहीं करें कि मेरे को हो जाएगा. कई लोग ऐसे ही कहते हैं कि अरे मेरे उनको कैंसर था तो मेरे को भी हो जाएगा, तो वो थॉट भी क्या कर रहा है, जा रहा है और वो उनको करेगा. तो वो नेगेटिव थॉट भी ना लाए कि हो जाएगा. मेरे को ये करना है कि मेरे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, बिल्कुल, और पॉजिटिव रहना है. जितना मैं पॉजिटिव रहूँगा मेरा सेल्फ इस्टीम अच्छा रहेगा. हुआ है, कोई बात नहीं, हर एक के फादर्स को कुछ ना कुछ तो हुआ है, हर एक के जीन्स में कुछ ना कुछ तो आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. केवल मुझे वो कह रहा है कि तू नेगेटिव ट्रिगर्स अपने लाइफ में मत लाना. जीन्स का म्यूटेशन तब होता है जब लाइफस्टाइल मेरी नेगेटिव हो गई. बिल्कुल. वो हैं बैक्टीरिया, कईयों के अंदर पड़े रहते हैं, कईयों के अंदर ट्यूमर पड़े रहते हैं, बाद में जब खोला जाता है तो उसके अंदर ट्यूमर था, पर उसको लाइफ में कभी कैंसर हुआ नहीं. उसके अंदर HIV वायरस था पर कभी एड्स नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर का इम्यून सिस्टम अच्छा था. तो उससे हम चिंता नहीं करें क्या है, फिगर क्या है. कई लोग फिगर के पीछे वो हो जाते हैं, अरे इतना ही होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उसके पीछे बार बार वो लिपिक्स कराते रहेंगे. ऐसा नहीं, हर 6 महीने बाद ही सिस्टम में परिवर्तन आएगा, कुछ चेंज आएगा. तो हम ओवर वो नहीं कर लें अपने को स्ट्रेस बर्डन, पर अपने को ठीक रखें कि मेरे को एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगी, मेरे को शुगर धीरे धीरे कम करना अपने लाइफ, तो मैं ठीक रहूँगा. जी भाई जी, आपने एकदम ठीक कहा. कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं खान पान की, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कई बार हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि वी आर इन अ ट्रैप. उस ट्रैप से निकलने के लिए हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ना कि ओवर कॉन्शियस. थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो. ओम शांति. दोस्तों, खान पान जिसके बारे में कई सारे डॉक्टर्स ने, कई सारे फूड स्पेशलिस्ट ने बातें की है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल जो एक फॉर्मूला वो ये है कि अगर आप फ्रेश फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल और आपकी जो हेल्थ है वो बेटर होगी. फ्रेश फूड को खाएं, धो करके खाएं और पूरे मन से और पूरे के पूरे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ खाएं, तो ही आपको वो खाना हेल्दी बना सकेगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Thank you.